हाँ निकालने की कोशिश की और इसी भागदौड़ में कि कोई कैंडिडेट किसी दूसरे का न तोड़ पाए, इसीलिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि खलबली सी मची हुई है। कोई किसी का उम्मीदवार जो है, कोई किसी का जो चेयरमैन का उम्मीदवार है, वो अपने उम्मीदवारों को सुरक्षित तमाम रास्तों को लेकर के जाना चाह रहे हैं। बैठो, दो पार्षदों को हाथ तोड़ने की बात कही जा रही थी। दो पार्षद आज जो दूसरे नगर में जो या काटी काटो दो पार्षदों को हाथ तोड़ सकते हैं, तो उसी हाथ तोड़ में आप ये तस्वीरें देखिए कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि दो पार्षद ऐसे हैं जिनको तोड़ने की आपको आप ये देख पा रहे कि तमाम जो पार्सल है यहाँ पर सुरक्षित उनको ले जाया जा रहा है। की बात की जाती थी, लेकिन आज आपने यहाँ पर उम्मीदवारों को तोड़ने की बात की। जी हाँ, क्या कुछ हुआ? सुंदर छोकर की घरवाली भी बारह पर लाई जाए, इसके लड़के दिन दे रहे और मेरे को थप्पड़ मारे और मेरे चाचा जी गए इसके मारे धक्के के बारे सुंदर को उठा कर ले गया। मेरे को थप्पड़ भी मारे हैं। किसने मारा आपको थप्पड़? जो जितनी पब्लिक थी जाए उसके साथ उन्हें ले गए थे और मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूँ। सुंदर छोकर के बेटे फोन में बात हो रही है ना, कुछ फोन में बात कर रहे हैं, फोन में बात नहीं हो रही है। अच्छा, 1% भी। अच्छा, ठीक है। और मैं बात करने के लिए कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा लाइव और सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पानीपत के लघु सचिवालय से, जहां पर आपको बता दें कि जो जिला परिषद के चेयरमैन का जो चुनाव था वो आज फाइनल किया गया था, आज डिसाइड किया गया था कि आज चुनाव होने हैं, लेकिन आज कैंडिडेट जो है पार्षद हैं वो यहाँ पर मौजूद होने चाहिए थे। 12 में से सिर्फ 9 पार्षद है वो यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए कि किसने क्या हुआ, बोल देखो ये बाद में करना। अभी नेक्स्ट मीटिंग आएगी उसमें सब कुछ अच्छा। हाँ निकालने की कोशिश की और इसी भागदौड़ में कि कोई कैंडिडेट किसी दूसरे का न तोड़ पाए, इसीलिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि खलबली सी मची हुई है। कोई किसी का उम्मीदवार जो है, कोई किसी का जो चेयरमैन का उम्मीदवार है, वो अपने तमाम रास्तों को लेकर के जाना चाह रहे हैं। बैठो, दो पार्षदों को हाथ तोड़ने की बात कही जा रही थी कि दो पार्षद आज जो दूसरे नगर में जो या काटी काटो दो पार्षदों को हाथ तोड़ सकते हैं, तो उसी हाथ तोड़ में आप ये तस्वीरें देखिए कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि दो पार्षद ऐसे हैं जिनको तोड़ने की आपको आप ये देख पा रहे कि तमाम जो पार्षद है यहाँ पर सुरक्षित उनको ले जाया जा रहा है। ये देखिए दूसरी गाड़ी और प्रदीप ब्योली यानी ज्योति शर्मा के द्वारा दावेदारी की गई थी चेयरमैन के लिए, उनके समर्थन में और पार्षद यहां पर पहुंचे थे, लेकिन जो दूसरे दावेदार हैं चेयरमैन के, उन्होंने दावेदारी करते हुए जो सरकार टूटने की बात कही जा रही है और विधायकों को तोड़ने की बात कही जाती थी, लेकिन आज आपने यहां पर उम्मीदवारों को तोड़ने की बात की। जी हाँ,
क्या कुछ हुआ? सुंदर छोकर की घरवाली भी बारह पर लाई जाए, उसके लड़के को मिला आजकल दिन दे रहे और मेरे को थप्पड़ मारे और मेरे चाचा जी गए इसके थप्पड़ भी मारे हैं। जो जितनी पब्लिक थी जाए उसके साथ उन्होंने ले गए थे और मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूँ। सुंदर ठोकर के बेटे फोन में बात हो रही है ना, कुछ फोन में बात कर रहे हैं, फोन में बात नहीं हो रही है 1% भी, ठीक है। और मैं बात करने के लिए कहा एलएलए के चलेगा। जो चेयरमैन के जो दूसरा चेयरमैन था वो कोशिश कर रहा था और उसके लिए यहाँ पर ये बताया जा रहा कि वार्ड नंबर 4 से संदीप जो दावेदार है उनकी भी दावेदारी फिलहाल यहाँ पर नजर आ रही है कि उनकी तरफ से भी वाइस चेयरमैन की दावेदारी की जा सकती है। और ये बताया गया है कि आज दो परिवारों के लोग थे सुंदर छोकर जो वार्ड नंबर 8 से पार्षद चुने गए हैं, उनके घरवाले उनसे मिलने के लिए आए थे, वो उनको घर ले जाना चाहते थे, उनको उनसे नहीं मिलने दिया गया, थप्पड़ मारने की बदतमीजी करने की बात वहां पे की जा रही है। दूसरा नंबर राजू यानी जो देरे से वार्ड नंबर हमने अपने भाई से मिलना बस, हमने कुछ नहीं चाहिए, हमने अपने भाई से मिलना बस। हमने अपने पिताजी से मिलने आए थे, मेरी माता जी बीमार और मैंने हॉस्पिटल में 15 साल का पैरालाइज है, ठीक है। तो इसलिए हम आए थे और यहाँ मिलने के लिए बात करने दी ना कुछ करने दी, चाचा जी बात करने के लिए इसके साथ बदतमीजी करी। कितने दिन से उनको लेके? कम से कम जी 5-6 दिन से लापता है। अच्छा, गौरव ठोकर सुंदर जी का लड़का है। फोन पे भी नहीं बात होने दे? कोई फोन नहीं, फोन पे बात करते हैं, किसी का नंबर आ रहा है, 10 मिनट में करवाते हैं, 10 मिनट में करवाते हैं, उसके बाद कोई बात नहीं। उनकी पत्नी पैरालिसिस है क्या? हाँ जी। चलिए, तो ये सुंदर छोकर के बेटे थे और इनकी तरफ से कहा गया कि पिछले 15 सालों से इनकी माँ पैरालाइज होने के चलते उछल फिर नहीं सकती और पिछले 5-6 दिनों से इनके पिता को हाईजैक किया हुआ है और आज ये मिलना चाहते थे, अपने पिता को ले जाना चाहते थे, पर इनको ना तो उनसे मिलने दिया, उल्टा इनको ये बताया जा रहा है कि उनको थप्पड़ मारे गए, बदतमीजी इनके साथ की गई है। क्या कुछ रहने वाला अंदर, फिलहाल ये SP से मुलाकात करने के लिए निकले हैं।